हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है। डिवेंचर के क्वेश्चन में बच्चे गलतियां करते हैं। जब 6 नंबर का डिवेंचर का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आता तो कर लेते हैं बच्चे, लेकिन जब वो केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आ जाता तो गलती करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस स्टडी हो सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखना, और पसंद आए और जो कि आएगा ही आएगा तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना कि वो भी इस तरीके के क्वेश्चनों से अवेयर हो जाए कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे उन क्वेश्चनों को करेंगे। और आप लोग जरा ध्यान दो यहाँ पे, क्योंकि पता क्या होता है, हमने टॉपिक पढ़ लिया पर जब क्वेश्चन आता है आपको, जब मैं समझा दूंगा ना क्वेश्चन तो आपको तो सब बिल्कुल आसान है, पर क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस केस स्टडी में सिर्फ यही होता है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बाकी एंट्रीज तो वही पुरानी एंट्री थोड़ी ना आनी है। जो लॉस की बोलेगा तो वही पुरानी एंट्री करनी है, इंटरेस्ट की बोलेगा तो वही पुरानी एंट्री करनी है। बस क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है साइज, तो देख के पहले लगता है कि पता नहीं क्या है, पढ़े क्या, बस दिक्कत ही आती है बच्चों के अंदर। तो इस क्वेश्चन को समझते कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, एक मिनट, तो इसमें बोला गया आपको लिखा, देखो, पैसिफिक फूड लिमिटेड ऑफ एफएमजीसी कंपनी हैज द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपए। ये बता रखे कि जो एक कंपनी है जिसके पास पहले से 20 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल था, ठीक है, अच्छी बात था। तो हमें क्या करना, आगे देखते हैं। द कंपनी अर्न अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% ऑफ इट्स कैपिटल, मतलब जो इनके पास पैसा था उस पर कंपनी कितना पैसा कमाती है, 15%। तो ये बता रहा है कंपनी की कहानी कि कंपनी के पास 20 लाख रुपए की कैपिटल है जिस पर वो 15% कमाती है। तो उससे हमें क्या मतलब, ऐसा कुछ हमें थोड़ा पड़ा है, ना आपसे पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन में कुछ पूछे, ऐसा कुछ पूछेगा भी नहीं आपसे, देखेंगे आप। आगे देखो क्या लिखा है, द कंपनी नीड फंड फॉर डाइवर्सिफिकेशन। अब कंपनी और बिजनेस को बढ़ाना चाह रही है तो उसके लिए कंपनी को क्या चाहिए, फंड चाहिए। अब फंड चाहिए तो कहीं ना कहीं से अरेंज करेगी। तो नीचे लिखा है द फाइनेंस मैनेजर हैज द फॉलोइंग टू ऑप्शन। अब कंपनीज में क्या होता है ना कि जब हमें फंड लेना होता है तो एक फाइनेंसर बैठा होता है, फाइनेंस मैनेजमेंट, जो कि देखता है फाइनेंस को, आगे पढ़ोगे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कि कहां से फंड लेना अच्छा ऑप्शन है। जैसे मान लो मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, ये भी और ये भी है। ये कह रहे हैं कि मैं 20,000 के बदले 21,000 लूंगा, इनका कहा मैं 20,000 के बदले 20,500 लूंगा, तो मेरे लिए कौन सा अच्छा ऑप्शन होगा, सेकंड वाला। तो ये काम कंपनी को कौन बताता है, फाइनेंस मैनेजर बताता है। तो फाइनेंस मैनेजर ने बोला कि देखो सर, ये दो ऑप्शन आपके पास जो आपको फंड चाहिए उसके लिए, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन क्या है, तो पहला ऑप्शन ये कि हम बोरो कर सकते हैं 10 लाख रुपए 15% पे, बैंक पेबल फॉर 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ 5th ईयर। मतलब हम क्या कर सकते हैं, बैंक से उधार ले सकते हैं 10 लाख रुपए, लेकिन इंटरेस्ट का रेट कितना होगा, 15%, और 5वें साल से उसकी पेमेंट करना चालू करोगे। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या बोला, तो लिखा है कि दूसरा ये कि हम 10 लाख रुपए 9% डिवेंचर इशू कर सकते हैं पार पे, जो कि रिडीम होगा 5 ईयर के एंड पे एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब दो ऑप्शन है, एक तो बैंक पेबल, मतलब बैंक से लोन ले लो 10 लाख रुपए का 15% पे, दूसरा है डिवेंचर इशू कर दो। ये ऑप्शन दिए गए, अब जो हम चूज करेंगे बात वो हमारे काम की होगी। तो वहां पे सीधी सी बात है, आप डिवेंचर पढ़ो तो डिवेंचर ही ऑप्शन चूज किया जाएगा। तो नीचे देखो लिखा है, आफ्टर ऑल 1 अप्रैल 2021 को हमने क्या डिसाइड किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी ऑप्टेड फॉर ऑप्शन सेकंड। कौन सा ऑप्शन इन्होंने चूज करा, सेकंड वाला, मतलब क्या करा, डिवेंचर इशू करा। अब आपसे क्या पूछा गया, टू इंक्रीज द रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर के रिटर्न को बढ़ाने के लिए, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2021 शो ए बैलेंस ऑफ 3 लाख इन कैपिटल। हमारे पास 3 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व है। तो देखो कैपिटल रिजर्व हमारे किसी काम का नहीं, यहाँ पे अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता तो काम आ सकता था लॉस राइट ऑफ करने के लिए, कैपिटल रिजर्व का कोई यूज नहीं होता। फिर लिखा है कंपनी डिसाइडेड टू यूज द रिटर्न ऑफ ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कंपनी ये वाले हम काट देते हैं क्योंकि अब इसका यूज होता नहीं है। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या कहते हैं कैपिटल रिजर्व का यूज होता था, तो कैपिटल रिजर्व की जगह अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा तो आप राइट ऑफ कर सकते हो। लास्ट ईयर तक क्या होता था कि कैपिटल रिजर्व से भी हम लॉसेस को राइट ऑफ कर सकते थे, पर दिस ईयर जो है, तो ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, इस साल क्या है कि या तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करो, नहीं तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। तो हम फिलहाल इसको हटा देते हैं, अगर यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता तो वही यूज होता, तो यहाँ पे हम लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ही करेंगे। अब आपसे पूछा क्या गया, तो देखो ये 5 क्वेश्चन पूछे गए, ये कहानी थी पूरी, क्वेश्चन ये रहे। पहला क्या है, तो पास जर्नल एंट्री फॉर रिसीव एप्लीकेशन मनी ऑन डिवेंचर, जो डिवेंचर की एप्लीकेशन का पैसा मिलने की एंट्री। दूसरा पूछा पास जर्नल एंट्री फॉर द टाइम ऑफ अलाउटमेंट ऑफ डिवेंचर, मतलब पहली दो एंट्री इशू वाली कर दोगे तो पहले दो क्वेश्चन बन गए, तो इशू की एंट्री आप जानते हो, अभी मैं करके दिखाऊंगा। फिर लिखा है पास जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ लॉसेस, लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री, वो भी हमने पढ़ी है।
प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना वो भी बना के देखेंगे, और लास्ट में कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद द डिवेंचर्स, मतलब इंटरेस्ट निकालना कि इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन कितनी है। और यहाँ पे एंट्री भी नहीं पूछा, सिर्फ बोला अमाउंट बता दो, मैं तो आपको एंट्री करके भी दिखाऊंगा, आपको सिर्फ अमाउंट बताया कि कितना ऑब्लिगेशन होगा अमाउंट के टर्म में, कि 10,000, 20,000, 50,000 जो भी। तो ये 5 क्वेश्चन आपके बने हैं और ये 6 नंबर का इस तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। अब जरा स्टार्ट करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन है ना। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूं, पहले इश्यू किया तो देखो क्या करा हमने, 10,00,000 रुपए के डिवेंचर इशू करे, 100 रुपए का एक है, यानी नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए, 10,000 डिवेंचर इशू हो रहे हैं पार पे और रिडीम होंगे किस पे, प्रीमियम पे। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये है आपका 10,000 डिवेंचर है, इशू हुआ पार पे यानी 100 पे, और रिडीम कितने पे होगा, 110 पे। और नंबर का जो डिवेंचर का रेट है वो 9% डिवेंचर है, ठीक है ना, जो डिवेंचर कौन सा है, 9% डिवेंचर है, ठीक है। एंट्री करें, हमने पढ़ी इशू की दो एंट्री होती है, पहले दो क्वेश्चनों के आंसर ही दो में, पहली एंट्री ये है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो 10,000 डिवेंचर है और एक पे 100 रुपये मिलेगा, 10,00,000 रुपये। दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इंडरेशन लिखता बीइंग एप्लीकेशन में रिसीव ऑन डिवेंचर्स और बीइंग डिवेंचर अलाउटेड, 9% डिवेंचर 10,00,000, इशू खत्म। अब रिडीम प्रीमियम पे हुआ है, तो जब भी प्रीमियम पे रिडीम होता है दो चीज आती है, डेबिट होता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इसका प्रीमियम, और क्रेडिट होता है आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो 10,000 × 10 1,00,000, ये पहले देखो पहले दो क्वेश्चनों के आंसर हो गए आपके, पहला क्वेश्चन था पैसा मिलने का, दूसरा क्वेश्चन था डिवेंचर देने का, एंट्री हो गई। तीसरा पूछा कि लॉस जो हुआ उसको राइट ऑफ करने की एंट्री बताओ, तो पहले तो आप लॉस निकालो हुआ कितना, पढ़ा आपने। तो अगर मैं लॉस की बात करूं तो 10,000 डिवेंचर है और एक पे 10 रुपए का लॉस है, तो जो आपको लॉस हुआ टोटल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर हम निकाले अगर तो वो कितना हुआ, 10,000 डिवेंचर एक पे 10 रुपए का लॉस, यानी 1,00,000 रुपए का लॉस हुआ। कोई परेशानी है तो बताओ, ठीक है। लॉस लॉस को राइट ऑफ करने के एंट्री अब यहां पे जो कि क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, 1,00,000 से ये वाली एंट्री होगी लॉस राइट ऑफ इट, कोई दिक्कत। यही मान लो पहले यहां पे कैपिटल रिजर्व की जगह, अगर यहां पे ये कैपिटल रिजर्व की जगह सिक्योरिटी रिजर्व लिखा हो सकता आपका, अब आएंगे क्वेश्चन, तो अगर मान लो सिक्योरिटी रिजर्व लिखा होता फिर ऐसी लाइन होती कि सिक्योरिटी को राइट ऑफ के लिए यूटिलाइज करो, है ना। तो अगर सिक्योरिटी होता तो फिर इस एंट्री में क्या आ जाता, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर, कोई दिक्कत, ठीक है यहां तक। लॉस राइट ऑफ इश्यू, पहले देखो पहले तीन क्वेश्चनों के आंसर हो गए, 1, 2, 3। चौथा क्या बोला गया, लॉस का अकाउंट बनाओ, ये भी मैंने आपको बता रखा है, तो लॉस का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। लॉस का अकाउंट देखो, ये इस एंट्री से अकाउंट बनता है लॉस का, तो लॉस का अकाउंट बनाते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, बहुत छोटा सा अकाउंट आपको याद भी होगा, ये 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, क्वेश्चन में डेट की ऑब्लिगेशन दिया, डेट दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग डेट डालना। मैंने बताया आपको जितना भी लॉस होगा डेबिट में लिखना होता है, तो एंट्री को देखो कितने का लॉस है, 1,00,000 का, तो डेबिट में लिख देंगे 1,00,000 रुपए का लॉस, कहां से हुआ, किस वजह से, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की वजह से 1,00,000 का लॉस, किससे राइट ऑफ किया आपने, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये बन गया आपके लॉस का अकाउंट, और ये आपके पांचवे क्वेश्चन का, चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया, हो गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये, पहले का आंसर हो गया, ये दूसरे का आंसर हो गया, ये तीसरे का आंसर हो गया, और ये आपके चौथे का आंसर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक। पांचवी चीज आपसे पूछिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स ऑब्लिगेशन, एनुअल फिक्स ऑब्लिगेशन का मतलब होता है इंटरेस्ट कितना पे करना है, और इसे आपको बोला जनरल एंट्री पास करो, सिर्फ आपको ये बताना है कि कितना ऑब्लिगेशन, तो कैलकुलेट करके बता दो, एंट्री बोलता तो साथ में एंट्री भी करते, मैं आपको एंट्री भी करके दिखा दूंगा, हम तो जस्ट फॉर रिवीजन के लिए कर रहे हैं ना। तो
पहले निकालते कितना ऑब्लिगेशन, फिक्स ऑब्लिगेशन कितना होगा भाई, फिक्स ऑब्लिगेशन जो मतलब इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट। तो देखो हमारे पास जो डिवेंचर थे 10 लाख, यानी एक 10,000 डिवेंचर और 100 का 10 लाख का डिवेंचर है और इस पर इंटरेस्ट का रेट कितना है 9%। 10,000 डिवेंचर और इंटरेस्ट का रेट कितना दे रखा है इस पर 9%, 10 लाख का 9% कितना होता है 90,000। तो एनुअल फिक्स ऑब्लिगेशन जो आ गई आपकी 10 लाख रुपए का 9%, यानी मुझे साल भर में कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 90,000। ये आपके पांचवे क्वेश्चन का आंसर। अब यहीं पे अगर आप एंट्री पूछता तो इसके एंट्री आप जानते हो, एंट्री क्या होती है, स्टेट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और लास्ट में ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। वही बोला था कि इंटरेस्ट हम हाफ ईयरली पे करते हैं तो 45-45 से दोबारा एंट्री कर देते। पर आपसे इस क्वेश्चन में इसमें ये नहीं पूछा गया है कि कितना मतलब एंट्री क्या, आपसे बस सिर्फ पूछा एनुअल ऑब्लिगेशन कितना। तो ये आपके आखिरी क्वेश्चन का आंसर। तो ये जो ऑनलाइन बच्चे आप लोग देख सकते हो, ये रहा आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसे, और ये इसका पहले बी सी तीन क्वेश्चन का आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो, ये चौथा और वो पांचवा। तो क्वेश्चन वैसे ही होते हैं, बस थोड़ी सी कहानी होती है तो कहानी को समझना होता है। तो इस तरीके से केस स्टडीज आपके एग्जाम में आ सकते हो, कोई परेशानी किसी को, ऑनलाइन किसी बच्चे को परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके एग्जाम तक आती रहेंगी। तो बस अपडेट रहो, मिलते आगे, बाय बाय।